मक्खी? रानी साहब देख लेंगे तो मक्खी नरन बना डालेंगे हमें। अरे ये मक्खी कहाँ गायब हो गई? यहाँ तो खाने में एक बाल आ जाए तो नौकर की खाल उधेड़ देते हैं। जीती जाती मक्खी मुंह में आ गई तो हमारा तो। कैसे भी उस मक्खी को ढूंढना ही पड़ेगा। बताई थी खाने के पास खड़े नहीं रहना, तब भी शायद बैठने का इशारा कर रही है। बैठी है ना, सब खड़े काहे हो गए? Have you lost it? उठिए वहां से, अभी के अभी उठिए। Get up. रानी कुर्सी पे क्यों बैठी? आप ही ने तो इशारा किया ना बैठने का। मैंने पीछे हटने के लिए इशारा किया था, ना कि कुर्सी पे बैठने के लिए। लेकिन वहाँ अब चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, जब कोई बुलाए तभी जाना। सब खड़े क्यों हैं? राजमाता बैठिए प्लीज। अरे कुमुद काकी, हम तो सिर्फ वो मक्खी को ढूंढ रहे थे। खैर अगर वो मक्खी है ना तो हम भी बाज की नजर वाली रानी ढूंढ के निकालेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। By the way, where is Nandini Rani, sir? हमने कहा तो था इसे नंदिनी से बात करने को, फिर वो आई क्यों नहीं? Ah, there she is. भाई प्लीज, मैं जय को नहीं पसंद करती हूँ और ना ही करूंगी। फ्रेंड तक बात ठीक है लेकिन शादी ये कभी नहीं हो सकता। रानी सा ने रिश्ता फिक्स किया है नंदिनी, जैसे ना मिल के उनके डिसरिस्पेक्ट मत करना। एक बार उसे मिल के देखो, बात करके देखो, अपना नजरिया बदल के देखो। आप लोग दोस्त थे, शायद आपको खुद लगे कि आप उसकी लाइफ पार्टनर बन सकती हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं लगे तो आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं रानी सा से बात करूंगा, पर एक बार उससे मिल लेना मेरे लिए।
ब्यूटीफुल। आए नजर के सामने दीदार उनका हुआ, चांद से पूछा सवाल हमने, फलक से जमी तक का सफर कैसा रहा। वाह वाह वाह, हाउ रोमांटिक। कुछ टिप्स तुम भी ले लो, कुछ दिनों में हमारी भी शादी होने वाली है। डोंट वरी कियारा बेटा, वीर भी तुम्हें बहुत स्पेशल फील करवाएगा, ऐसा ही हार तुम्हारे लिए लेकर आएगा, राइट वीर? ऑफ कोर्स राइट सर। I don't know, bro. ये प्रिंस जयसिंह जो नेकलेस लेके आया ना, looks pretty expensive. पता नहीं कितने दिलों का ऑपरेशन करना पड़ेगा कियारा का दिल जीतने के लिए। I'll manage. Anything for Kiara. Well, ज्वेलरी से ज्यादा जो चीज आपकी क्लास डिफाइन करती है वो है आपके शूज। Absolutely right. I agree with you, बेटा। इसलिए मैं सिर्फ महंगे और इंपोर्टेड ब्रांड्स पहनता हूँ, स्पेशली इटालियन। वहाँ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड यहाँ के लोकल ब्रांड से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रानी सा की पार्टी खराब करेगी तुम्हारी अम्मा की मक्खी मार। क्या कर दिया रानी, इस बेइज्जती को रानी सा कभी माफ नहीं करेंगी, और अब ऐसा तूफान आएगा जिससे कोई नहीं बच सकता। रानी सा, हम चप्पल, रानी क्या कर दिया हमने? रानी सा, मक्खी उड़ रही थी ना, तो हमको लगा आप देख लेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन की तरह मक्खी को मछली का आग समझ के निशाना लगा दिए। आपका गाल आ गया राजकुमार। सारी 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 अब कहा बोले, किस मुंह से सकल दिखाए। बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे, बहुत बड़ा गलती हो गया। रानी सा, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब समझ ही नहीं पाए मक्खी कहां से आ गई हम। सारी रानी सा, रानी सा,
इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जाने दीजिए। नहीं, इसने जो गलती की है अगर इसके साथ पुश्ते भी हमारे यहाँ गुलामी करेंगे फिर भी इसकी भरपाई नहीं होगी। तुम्हारा ये जाहिलपना एक मक्खी के आड़ के पीछे छिपा लेने से हम तुम्हारी गलती नजरअंदाज नहीं करेंगे। अभी के अभी इस घर से। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ रानी साहब, लेकिन हम राजपूत हैं और राजपूतों में औरत का अपमान ये ठीक नहीं। सुना तुमने कितने वेल मैनर्ड और संस्कारी है हमारे प्रिंस जय। तुमने इतनी बड़ी गलती की और फिर भी वो तुम्हें माफ कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी प्रिंस, लेकिन ये आपके माफी के लायक भी नहीं है। एहसान फरामोश लोग होते हैं ये, जितने छोटे लोग हैं ये उतनी छोटी सोच है इनकी। शायद गलती मेरी है, हमने सोचा कि ये रामू की जगह ले पाएगी, सर झुकाए अपना काम करेगी और ये सब उसे रामू से विरासत में मिली है। जो आज तुमने किया है वो अपमान नहीं पाप था। रानी साहब आई रिक्वेस्ट यू, इन्हें जाने दीजिए और फिर कल मेहंदी की रस्म है, क्यों मूड खराब करना। रियली तुम घबराओ मत, हो जाता है, जाओ। प्रिंस जय हम कंफ्यूज है, पता नहीं हम क्या कहें। डोंट बॉदर रानी साहब, आप कुछ कहेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। जी बेटा। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ मासा, पता नहीं राजेश्वरी अब अगला स्टेप क्या लेगी। कुछ नहीं होगा दिग्विजय, रानी ने जो किया वो ना ही सिर्फ गलत बल्कि एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जय ने जिस तरह से सिचुएशन को राजेश्वरी को हैंडल किया वो वाकई में तारीफ़े काबिल है। राजेश्वरी इज करेक्ट, नंदिनी के लिए जय से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। ये बंदा तो अलग ही निकला यार, मतलब मुंह पे चप्पल पड़ गई, रिएक्ट तक नहीं किया। कैन यू सी दैट ब्रो? या इवन आई एम सरप्राइज्ड, ही इज टू गुड, इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। Too good to be true. सारी राजकुमार जी दरवाजा पर थपकी देना भूल गए। एक के बाद एक गलती कर रही हैं आप। वो गलती सुधारने के लिए तो तुम्हारे लिए हल्दी का लेप लाए हैं, ठंडक मिलेगी। तमाचे से सीधा तू तड़ाक बोलने लगी, इंटरेस्टिंग। अब गाल गरम तुमने किया है तो ठंडक भी तुम ही पहुंचाओगी। आई मीन लेप ले आई हो तो लगा भी दो। हम? हाँ। Come on, don't be shy. वहां बैठो। क्या हुआ, नर्वस हो रही हो? हम हम काहे नर्वस आएंगे, जरूर बैठेंगे। अब दर्द दिया है तो दबा तो लगाना ही पड़ेगा ना। अरे अब वहाँ कहीं खड़े हैं, यहाँ आइए। आपके पास? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो एंगल खराब हो जाएगा ना। आप ना यहाँ बैठिए नीचे, तो हम 90 डिग्री बैंक से सीधे बैठेंगे और तुम 75 में थोड़े टेढ़े, फिर लेप लगेगा एकदम बराबर। बैठिए ना। एक मिनट एक मिनट। बात
जाम हो गया एकदम दुरुस्त। बैठिए। तुम्हारी काल की लाली के सामने तो पनबाड़ी का कत्था भी फेल है। बहुत जोर से कूट दिए ना हम। दर्द हो रहा है? हाँ? इस दर्द की कोई और ही दवा है? कहीं तुम वो वाला दवा तो नहीं मांग रहा? पक्की बात? सोच लेना। ऐसे काम सोचने के नहीं, करने के होते हैं। वो हम थोड़े कच्चे हैं ना, तो तुम ना आंखें बंद कर लो, फिर हम देते हैं। शुरुआत में थोड़ा गर्म लगेगा, फिर एकदम नरम हो जाएगा। पागल लड़की, how dare you do this? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ और तुम जैसी लड़कियों के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? जी अब वीर ये लड़की है। आई एम सॉरी, जो आज मेरे स्टाफ की तरफ से हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इस तरह किसी पर चिल्लाना इट्स नॉट वेरी राजपूत बिहेवियर, राइट? एनीवेज, स्वेलिंग काफी हो गई है, मार्क 2-3 दिन में चला जाएगा, तब तक मैं ऑइंटमेंट और दवाई भिजवाता हूँ। यू टेक रेस्ट। थैंक यू। आप कभी प्यार से बच्चे की तरफ बिठाकर समझाते हैं या फिर फटकार लगाकर मूड की लुटिया डुबा देते हैं? उरावण जैसे 10 सर वाला है ना, वैसे ही 10 रूप है आपके। हम तो दुविधा में पड़ जाते हैं कि आपके कौन से रूप पर विश्वास करें। खैर, वो जो अंदर आपने हमारे लिए किया ना, उसके लिए दिल से थैंकू। ये सब क्या है? ये लड़की इस घर में रहने के लायक ही नहीं है पापा। जब से इस घर में आई है कोई ना कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट की है इसने।
माय अपोलॉजीज रानी साहब। मैं जानता हूं कि रामू काका को इस घर में रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, उनकी तरह इस घर को मैनेज करना भी आसान नहीं है। इस लड़की को मौका देने का फैसला आपका था रानी साहब, और मैं आपके फैसले को क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका हर लिया हुआ फैसला सही होता है। और रानी साहब, ये लड़की इस घर के लिए, इस घर के काम के लिए, इस घर के रूल्स के लिए, सबके लिए गलत है। आज जो इन्होंने किया है, इसके बाद इनके गलतियों का लेवल सिर्फ बढ़ता ही जाएगा रानी साहब। बाकी आपकी मर्जी है रानी साहब, आपको जो सही लगे वो कीजिए। मेरा बस एक ही सजेशन है, इससे पहले कि ये लड़की कोई और गलती कर जाए जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसको अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दिया जाए।